रिमझिम बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। शनिवार को लोगों को चिलचिलाती गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा था और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में शनिवार को पारा 45 डिग्री के पार चला गया था। तो तड़के सुबह हल्की बारिश होने से करीब 5 से 10 डिग्री तापमान में गिरावट अब हो गई है। नोएडा व आसपास के कुछ इलाकों में बारिश सुबह 9:15 बजे से शुरू हुई और रुक रुक कर अभी भी हो रही है। इस बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बारिश और तेज हवा के कारण सुबह कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई। इस बारिश को अभी प्री मानसून बारिश के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि मानसून पहुंचने में अभी कुछ वक्त है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 और 29 मई को दिल्ली एनसीआर में तेज गरज के साथ बारिश होगी और 30 मई को भी कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे, यानी अगले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना रहेगा।